जैसे ही मैंने मांगने वाले को झट से कुछ पैसे निकाल कर दिया ही था कि पांडे जी ने फौरन कहा, ये फ्रॉड लोग होते हैं, इन्हें जरा देखभाल कर देना चाहिए। ये लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और हमें ठगते हैं। पांडे जी की बातों को सुनकर मैंने कहा, आपने बिल्कुल सही फरमाया, पहले मैं भी ऐसा ही करता था, लेकिन एक वाक्य ने मेरी दुनिया ही पलट कर रख दिया। रोज की तरह मैं घर से ऑफिस के लिए जा रहा था कि रास्ते में एक शख्स फुटपाथ के किनारे अपना बीमार बच्चा लेटाए हुए, उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए भगवान के नाम पर टैक्सी का किराया मांग रहा था। वो कभी किसी पैदल का बाजू पकड़कर हाथ जोड़ देता, मेरा बच्चा बचा लें, मुझे टैक्सी का किराया दे दें, तो कभी किसी गाड़ी वाले को हाथ देकर रोकता और उसके पीछे भागता कि वो कार में उसके बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा दे। कोई रुकता तो कोई नहीं रुकता, जो भी रुकता वो भी उसे घूर कर देखता और आप वाली सोच सोच कर उसे डांटता, काम करके खाने की नसीहत करता और आगे निकल जाता। मैं जैसे ही अपनी कार पार्क कर रहा था कि उसकी नज़र मुझ पर भी पड़ी और वो मेरे गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया था और मेरे रुकते ही मेरे दरवाजे के शीशे पे जोर जोर से पीटने लगा। जैसे ही मैंने गिलास नीचे किया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, भाईजान, खुदा के लिए मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा लें, उसे सख्त बुखार है, आप नीचे उतर कर उसको देख तो लें तो आपको यकीन आ जाएगा, आप देंगे तो शायद किसी और को भी एतबार आ जाए। मगर मैं भी उसी की तरह सोच रहा था, मैंने भी उसे काम करके खाने की तस्कीन की और पिछले जुमा की सुनी हुई हदीस उसको भी सुना दी कि कमा कर खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, और गिलास बंद करके आगे बढ़ गया, ये बड़बड़ाते हुए कि हरामखोर, ये हमें बेवकूफ समझते हैं। 2-3 घंटे के बाद मैं वापस आया तो अब भी उसी जगह खड़ा मांग रहा था। बच्चे को अब वो सड़क के किनारे ले आया था और उसके चेहरे से कपड़ा भी उठा रखा था और वो दहाड़ मार मार कर रो रहा था। अब वो अपने बच्चे के कफन और दफन के लिए मांग रहा था। मैं गाड़ी रोककर नीचे उतरा और मैयत की तरफ देखा, फूल की तरह मासूम बच्चा जिंदगी का बाजी हार गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जेब में जो कुछ भी था जेब से निकालकर बेगर देखे उसके तरफ फेंका। उससे पहले कि उसका बाप मुझे देखे, मैं उस तेजी से वहां से निकला मानो दुनिया की सारी बलाएं मेरे पीछे लग गई हों। मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरा बुरा हाल था, ऐसा कि जैसे मुझे बुखार जकड़ने लगा हो। मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने उस दिन की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दिया। मैं भी उसी बच्चे की तरह एड़िया रगड़ रगड़ कर मरना चाहता था। 2-3 दिन के बाद बुखार को तो आराम आ गया, लेकिन मैं जहनी मरीज बन गया था। मुझे लगता था कि मेरी उसी सोच से वो बच्चा मर गया। कुछ दिन गुजरे, मैं ऑफिस में स्टाफ से बात कर रहा था, तब तक रिसेप्शन से आवाज आई, सर आपसे कोई मिलना चाहता है। मैंने पलट कर देखा, सामने उस मरे हुए बच्चे के बाप को देखकर मुझे चक्कर आ गया और मैं पत्थर का बुत बने उसे देख रहा था। तभी उसने अपने जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकाले और मेरा शुक्रिया अदा करके कहने लगा कि आपके पैसे बड़ी बरकत वाले थे, शायद आपके खुलूस की बरकत थी कि मेरे बहुत सारे काम हो गए, सारे खर्चे के बाद कुछ पैसे बच गए और उनमें से कुछ पैसे मैंने उधार लेकर डाले हैं, ये आप कबूल कर लीजिए, बाकी मैं आपको जल्द ही वापस कर दूंगा। मैंने पैसे वापस लेने से सख्ती से इनकार कर दिया और मिन्नत करके उसे पैसे रखने को राजी कर लिया। और जैसे ही वो जाने लगा, मैंने उसे रोका और अपनी कंपनी में काम करने के लिए पूछा।
वैसे राजी हो गया जैसे उसे काम की ही तलाश थी और किसी ने उसके दिल की बात सुन ली हो। वो बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन से मेरी कंपनी में बतौर वॉचमैन काम करने लगा। पांडे जी, मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, लेकिन वो कार वाला किस्से का जिक्र उससे मत करना। उसने आज तक नहीं पहचाना कि उसने मेरा भी कार रोककर मुझसे मदद मांगी थी। वो मुझे एक बड़ा ही नेक इंसान समझता है जिसने उस बच्चे की लाश देखकर अपना सब कुछ निकाल कर दे दिया। पांडे जी, उस दिन के बाद से मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। थोड़ा सा देने से ना वो अमीर होता है और ना मैं गरीब, बस दिल को तसल्ली होती है। और रह गई लूटने की बात, तो पांडे जी हमें कौन नहीं लूटता। कपड़े वाला हमें लूटता है, दवाई वाला हमें लूटता है, सब्जी वाला हमें लूटता है, दूध वाला हमें लूटता है। इतना सा लूटने के बाद अगर कोई हमें खुदा के नाम पे लूट ले, तो शायद मरने के बाद खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर दे कि ये बंदा मेरे खातिर मेरे नाम पे लूटता रहा, और शायद हमारी गुनाह बख्श दे। पांडे जी, माना कि हर मांगने वाला सच्चा नहीं होता, पर जरूरी ये भी नहीं कि सब झूठे ही हों। वैसे भी अपने काम काज में कई बार फेल होने के बाद भी हम कोशिश करना नहीं छोड़ते, तो कुछ ठग लोगों की वजह से ज़रूरतमंदों की मदद करना क्यों छोड़ देते हैं।